तो दोस्तों, जहां एक ओर सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस पर टाइगर 3 से झंडे गाड़े हुए हैं, तो इन्हीं झंडों को उखाड़ के फेंकने की कोशिश करने के लिए बॉक्स ऑफिस पर एक नई फिल्म आने वाली है, जो कि एक्शन, ड्रामा, स्टोरी, स्क्रीन प्ले या कहें कि इमोशंस में भी बहुत फिल्म्स को पीछे छोड़ देने वाली है। इस बात की तो गारंटी लग रही है, क्योंकि जब से इसका टीजर रिलीज हुआ था तब से हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है, एनिमल, एनिमल एंड एनिमल। सच बताऊं तो दिस इज द रियल बीस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा। तो आज रिलीज हुए इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे, तो दोस्तों एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखो, जब से इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था तब से हमें लग रहा था कि ये फिल्म बेस्ड है एक बेटे के अपने बाप से उलझे हुए रिश्तों पर, जिनको वो कभी सुधार नहीं पाया, पर फिर भी अपने पिता को एक आइडल मानकर उनको फॉलो करता रहा, बस इस आस में कि कभी वो उसको अप्रिशिएट करेंगे और एक पिता की तरह उसको अपने सीने से लगाएंगे, जिसकी वजह से बेटा कुछ ऐसी नादानियां कर देता है जो शायद इस फिल्म में उसके बाप को नागवार गुजरेंगी। पर वो बेटा अपने पिता से दूरी बनाते हुए साइलेंटली उनको फॉलो करता रहता है। शायद फिल्म में एक ऐसा वक्त आएगा कि जब उसके पिता को उसके बेटे की जरूरत पड़ेगी, पिता पर हुए जानलेवा हमले की वजह से उनके डूबते एम्पायर को बचाने के लिए बेटा दुनिया के सामने आकर अपने पिता के आगे खड़ा हो जाता है और उन सबको सबक सिखाता है जिनकी वजह से उसके पिता को जिंदगी और मौत के बीच झूलना पड़ा। दोस्तों, फिल्म का टोन बहुत डार्क है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर संदीप वेंगा रेड्डी ने, जिन्होंने कबीर सिंह फिल्म बनाई थी, और उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि आपको अगर लगता है कि मेरी बनाई कबीर सिंह में जो दिखाए गए एक्शन सीन्स हैं वो अगर आपको ज्यादा ब्रूटल लग रहे हैं तो जरा ठहरिए। अकॉर्डिंग टू हिम, असली ब्रूटैलिटी एक्शन आपको इस फिल्म एनिमल में देखने को मिलने वाला है, बजाय इसके कि इसमें रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना का लव ट्रैक भी है, जो कि शायद कबीर सिंह फिल्म से भी नेक्स्ट लेवल का है। फिल्म में किरदारों का चयन काफी ज्यादा शानदार है और सोच समझ के किया हुआ लग रहा है। अगर किरदार, अदाकार मजा हुआ है तो उसको बड़े पर्दे पर देखने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगता है, और साथ ही साथ फिल्म से एक इंटरेस्ट सा जुड़ जाता है वो अलग। भाई, ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक बहुत ही ज्यादा जबर होने वाला है। वो पंजाबी सॉन्ग्स जिसकी बीट्स पर इस फिल्म के पहले टीजर में हमको गोलियों की बौछार का अंदाजा दिखाया गया था, वो सॉन्ग बहुत ही गजब है। और रणबीर कपूर के साथ साथ उस एक्शन सीक्वेंस पर वो गाना सूट भी कर रहा है। और फिर वो सीन आया जिसको हम काफी एक्सपेक्ट कर रहे थे, कैथी और विक्रम के क्लाइमेक्स में जो M134 गन यूज हुई थी, ये गन तो उसकी भी बाप निकली। और ट्रेलर में हमको बाबा निराला के दर्शन भी हुए खून से लथपथ। एक्टिंग में उनके अलग लेवल का जुनून दिख रहा है, और रणबीर कपूर से उनकी जो भिड़ंत होगी फिल्म के क्लाइमेक्स में बीच में, गुरु मजा तो बहुत आएगा। अरे सच में, दोनों को बड़े पर्दे पर एक साथ लड़ते हुए देखकर बहुत मजा आने वाला है। और फिल्म में उनके दुश्मनी की नींव कहां से शुरू होगी ये भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, ट्रेलर के एंड में जो रणबीर कपूर और बॉबी देओल के बीच की फाइट दिखाई गई है, मतलब उसकी फाइट का जो एक ग्लिम्स दिया गया है, शायद ये फाइट फाइनल फाइट होगी। अब इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो तब तक वेट कीजिए 1 दिसंबर का, जब ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी। और नो डाउट हाइप तो काफी मेंटेन हो रखी है इस फिल्म की, तो इससे इस फिल्म को फायदा तो जरूर मिलेगा। तो आप कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म को देखने के लिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।